बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपके लिए एक नई डिश लेके आए हैं जिसका नाम है अफगान इफ्ती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कब मैंने मैदा लिया है, ये मैंने खमीर लिया है, और ये है प्याज थोड़ी सी कटी हुई, तो ये है नमक इसके लिए हसबे जायका। तो हम अब इसको गर्म पानी से, हल्के नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह। तो सबसे पहले ये हम इसके अंदर नमक मिक्स करते हैं। तो इसको ने कटी हुई प्याज लिया है, इसको हमने बहुत ही बारीक सी काट ली है, और इसको हल्का सा नमक लगा के तो धो लेना और खुश कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने खमीर को थोड़ा पानी डाल के गीला कर लिया, अब हम इसमें मिक्स करते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। तो जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं आप इसको, आप केचप के साथ ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वो जिस चीज़ के साथ आप चाहें, चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो हम आपके सामने ये बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह बनेगी। तो नाज़रीन, ये हमारा आटा रेडी हो चुका है, हमने गूंद लिया है। तो इसको हमने 10 मिनट तक छोड़ देना, तो फिर दोबारा इसको गूंद लेंगे। तो ये हमने धो के प्याज भी रख लिया, नमक लगा के धोना है। छोड़ दिया था, तो अब एक खमीर इस पर आ गया, तो इसको दोबारा हम थोड़ा सा भून के ज़रा रेडी कर लेते हैं मज़ीद, और फिर हम इसको 5-7 मिनट के बाद पका रहे हैं। ये अच्छी तरह हमारी डो है जो वो तैयार हो जाएगी। तो ये हमने पेड़ा बना लिया, अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी हाँ, अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इसका भी हम रोल बनाएंगे बारीक सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बारीक कर लेंगे सही तरह। इसको हम बारीक सी बेल देंगे और फिर डाल देंगे। स्लो फ्लेम पे इसको पकड़े दे, अफगानी फतीर हमारा रेडी हो चुका है। हमारा अफगानी फतीर पसंद आया तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।